हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग द चौहान फैमिली में आप सबका स्वागत है। तो अभी देखिए मैं आ रखी हूँ घूमने के लिए। अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 बज रखे हैं और हम आ रखे हैं घूमने के लिए। मेरे साथ हैं पीछे पापा जी। तो अभी हम आ रखे हैं लालढांग और मिठीबेरी के पुल पर। कल आपने हमारा ब्लॉग देखा होगा जिसमें हमने आपको रसूलपुर की नदी दिखाई, मतलब लालढांग और रसूलपुर की। तो यही वो नदी है जो वहाँ से इधर दूसरे गांव में आती है और यहाँ बना है पुल। तो इसे बस अभी एक साल ही हुआ है पुल को बने हुए। तो चलिए आज आपको भी ये पुल दिखा देते हैं, क्योंकि ये बहुत सालों बाद, मतलब इस नदी पे कोई पुल नहीं था, तो बड़ी मुश्किल से थी ये पुल बनवाया। मतलब गाँव वालों ने बहुत संघर्ष किया इस पुल बनाने के लिए, कई बार मतलब एप्लीकेशन लिख के दिए और तब जाके ये पुल बना है। तो अभी इसे एक साल ही हुआ है। सबसे पहले मैं आपको आज दिखा देती हूँ अभी यहाँ पे मौसम कैसा हो रहा है और चारों तरफ का व्यू कैसा है। तो चलिए देखते हैं। तो अभी हम खड़े हैं लालढांग और मिठीबेरी को जोड़ने वाले पुल पर। तो पुल के उस पार एक गांव है जिसका नाम है मिठीबेरी। और कल जो हमने व्लॉग दिखाया था उसमें नदी दिखाई थी, नदी के उस पार जो गांव है उसका नाम है रसूलपुर। तो वही नदी आगे बहकर इस गांव में आती है। और क्योंकि बहुत परेशानी होती थी पहले बच्चों को, मतलब बच्चे जो स्कूल के बच्चे हैं बरसात में वो नदी पार करके स्कूल आते थे, और गांव वालों भी, क्योंकि इन जो मिठीबेरी और रसूलपुर का गांव है उनका मार्केट लालढांग ही पड़ता है, तो बरसात में बहुत प्रॉब्लम आ जाती थी। तो इसलिए गांव वालों के बहुत संघर्ष के, मतलब उन्होंने बहुत प्रयास किया पुल को बनवाने के लिए, तब जाके ये पुल बना है। तो अभी भी रसूलपुर में एक छोटे से पुल की मांग है जो हमने कल व्लॉग में दिखाई थी नदी वहाँ पर, क्योंकि जब बरसात में नदी आ जाती है जैसा कि आपने कल ही देखा, तो फिर उस गांव वालों को घूम कर इस गांव में आना पड़ता है और यहाँ से फिर लालढांग के मार्केट में आते हैं। तो ये देखिए नदी का बहाव, बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी नदी की, क्योंकि यहाँ पर नदी बहुत चौड़ी है ना। तो वैसे तो ऐसे में देखने में तो नहीं दिख रहा था कि नदी ज़्यादा है, लेकिन फिर मतलब काफ़ी थी, मतलब काफ़ी आवाज़ आ रही थी। और ये देखिए इस साइड है मिठीबेरी, मतलब ये जो रोड जा रही है ये मिठीबेरी गांव के लिए जा रही है, और यहाँ पर काफ़ी अच्छी खेती होती है। ये देखिए बहुत से लोग यहाँ पर किसान हैं जिन्होंने खेती कर रखी है। और यह पुल बनने से पहले बरसात के मौसम में जब नदी आ जाती थी तो काफ़ी लोगों ने यहाँ अपनी जान गंवाई है, मतलब नदी में बह के मरे हैं। तो इसलिए यहाँ एक पुल बनना बहुत ज़रूरी था। और काफ़ी ये नदी देखिए आप कितनी चौड़ी नदी है ना, मतलब काफ़ी चौड़ी है, जब पूरी भर कर आती है तो बहुत रौद्र रूप में दिखती है। तो ये इस पुल की लंबाई भी जिस कारण बहुत बड़ी है, मुझे पूरा एग्जैक्ट तो नहीं मालूम, लेकिन काफ़ी लंबा पुल है। और देखिए शाम को यहाँ पे बहुत से लोग, बच्चे सब घूमने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे एक गोलगप्पे वाले की ठेली भी लगी हुई है जहाँ पे सब गोलगप्पे खा रहे हैं। तो अब थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लग गया था, हम जा रहे थे घर की ओर, तब तक पापा जी ने बताया कि यहाँ पर एक आश्रम भी है। तो मैं वहाँ पर कभी गई नहीं ना, तो मैंने कहा चलो यार चलते हैं और फिर देखते हैं कि कैसा आश्रम है और आप सबको भी दिखाते हैं। तो देखिए फिर यहाँ से ये जो कच्ची रोड जा रही है तो वो आश्रम के लिए जा रही है। तो चलिए वहाँ चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं।
तो देखिए हम पहुंच गए हैं आश्रम में और आश्रम दिखाई देने लग गया है। तो इस आश्रम का नाम है श्री शिव सेवा आश्रम, जहां आए दिन रामायण जागरण भंडारे का आयोजन होता ही रहता है। तो जब हम आश्रम में गए तो हमने देखा यहाँ पर एक मंदिर भी है, माता का मंदिर है, तो हमने कहा चलो माता रानी के दर्शन कर लेते हैं और तब पूरा आश्रम देखेंगे। चलिए फिर आप लोग भी दर्शन कर लीजिए और आश्रम देखिए। अभी हम जा रहे हैं अपने घर की ओर, तो चलिए आपको रास्ते में दिखाते हैं लाल ढंग का मार्केट और चलते हैं घर और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हम पहुंच गए हैं घर, तो अभी बज गए हैं श्याम के साथ और अब हम करेंगे डिनर की तैयारी। इधर है हमारे साथ मम्मी जी। हेलो। तो अभी मम्मी कर रही है संध्या। तो बस अब हम बनाएंगे डिनर। आज के ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं जल्दी अपने नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।